हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है। ये लाइट कलर में आप बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ये देखिए जेंट्स स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं, लेडीज स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी आप इसको डाल सकते हैं। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सेम ऐसे ही हमने बॉर्डर बनाना है। उसके बाद ये देखिए दो फंदे जो हैं हम इसमें इसमें उल्टे बनाएंगे, एक फंदा और ये दो फंदे हमने इसमें उल्टे बनाए। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद तीन फंदे हम लेंगे एक साथ, इस तरीके से एक साथ फंदे लेंगे, फिर इन तीनों को हम उल्टा बनाएंगे ये ऐसे। इसको निकालेंगे नहीं अभी, फिर इस फंदे इसको धागे को हम ऐसे गोल घुमाएंगे और फिर एक फंदा फिर बनाएंगे, उल्टा ही बनाना है, इसको निकालना नहीं है। ये हमारे हो गए तीन फंदे। अब उसके बाद फिर धागा घुमाएंगे, ये हमारा हो गया चार फंदे, और इसके बाद ये वाला फंदा बनाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पांच। तो ये पांच फंदे जो हैं इस तीन में से मैंने पांच फंदे बनाए। अब हम इसे निकाल देंगे। निकालने के बाद ये देखिए ये जो हमारा यहाँ से ये दो फंदे तो हमारे उल्टे थे, उसके बाद एक फंदा हमारा ये, और जो दूसरा फंदा है इस फंदे को हम जो है उठाएंगे, इस फंदे को उठाएंगे और इनके ऊपर से जो है ये ऐसे कर कर हम ऐसे लाएंगे। अभी इसे निकालेंगे नहीं, फिर इस फंदे को सिलाई हम पीछे से ले जाएंगे और इससे ऐसे डाल देंगे। बस इतना ही करना है। उसके बाद है ये तीन दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए दो फंदे मैंने उल्टे बनाए, फिर तीन फंदे लेंगे एक साथ, ये तीनों फंदों को हमने उल्टा बनाया, फिर इसी फंदे में ये देखिए ऐसे घुमाएंगे धागे को, ये ऐसे कर कर धागे को घुमाना है। ये हमारे हो गए दो फंदे। अब ये जो इसमें से बनाएंगे ये हो जाएंगे हमारे तीन, फिर इसको घुमाएंगे, ये हो गया हमारा चौथा फंदा, फिर इसके अंदर से हम बनाएंगे, ये हो गया हमारे पाँच फंदे। ये हमारे हो गए तीन में से हमने पाँच फंदे ये बनाए इसी तरीके से। फिर ये दूसरा फंदा हम उठाएंगे, फिर इसके ऊपर से लाएंगे ये वाले को, ये देखिए सिलाई को हम ऐसे पीछे से ले जाएंगे और इसके अंदर से फंदे को घुमाकर डाल देंगे। फिर दो फंदे हम बनाएंगे, ये दो फंदे बनाए हमने, फिर तीन फंदे लेंगे एक, फिर तीन फंदे हम एक साथ लेंगे, इसको हमने उल्टा बनाया ऐसे ही, फिर धागे को घुमाएंगे, फिर फंदा बनाएंगे, फिर धागे को घुमाएंगे और इस फंदे को हम फिर से बनाएंगे। पांच फंदे जो हैं ये हमने बना दिए। अब उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। अब ये दूसरा फंदा है ये वाला, ये वाले फंदे को उठाएंगे और इनके ऊपर से ऐसे लाएंगे और पीछे से सिलाई लाते हुए इसको हमने इसमें ऐसे पलटकर फंदे को डाल देना है। इसी तरीके से जो है हमारी ये वाली सिलाई जो है सीधी सिलाई जो है हमारी कंप्लीट होगी। तीन फंदे बनाए, धागे को घुमाया, फिर फंदा बनाया हमने, फिर धागे को घुमाएंगे, फिर फंदा बनाया, पांच फंदे ये हमने बना लिए, तीनों को हम निकाल देंगे। अब ये देखिए दूसरा फंदा जो होगा हमारा ये वाला, इसको उठाएंगे और इसके ऊपर से निकाल देंगे, पीछे से इसको ऐसे डाल देंगे, फिर दो फंदे बनाएंगे, तीन फंदे लेंगे बनाएंगे, फिर धागे को घुमाना है, फिर बनाना है इसको, फिर धागे को घुमाएंगे, फिर इसमें से फिर बनाएंगे, पांच फंदे ये बन गए हमारे, फिर इसको निकाल देंगे। फिर ये दूसरा फंदा जो है इसको निकालेंगे, इसके ऊपर से निकालेंगे, पीछे से सिलाई लानी है इसको ऐसे कर कर और इसको ऐसे। फिर ये दो फंदे बनाएंगे उल्टे और ये सिलाई जो है हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई में हमने ये देखिए हमारे कुछ फंदे जो हैं इसमें सीधे हैं, कुछ फंदे हमारे उल्टे हैं। तो देखिए यहाँ से जो हमने उल्टे फंदे बनाए हैं ये हमारे यहाँ पर सीधे फंदे बनेंगे। ये देखिए दो फंदे जो हैं ये मैंने सीधे बनाए, फिर जो फंदा हमने पलटा था यहाँ से आगे की तरफ में पलट कर फंदा डाला था उस फंदे को भी हमने सीधा ही बनाना है ये ऐसे। फिर धागे को अपनी साइड करेंगे।
अब ये हमारे पांच फंदे थे उस टाइम, तो अब ये दो फंदे, एक फंदा कम हो गया हमारा, अभी हमारे पास बचे चार फंदे। चार फंदे में से ये दो फंदे लेंगे ये, और दो का हम एक बना देंगे, फिर दो फंदे लेंगे दो का एक बना देंगे ये ऐसे, फिर धागे को घुमाएंगे, फिर दो सीधे, ये दो सीधे बनाए, फिर ये वाला भी फंदा हमारा सीधा बनेगा। जो पांचवा फंदा हमने जो पलटकर फंदा डाला था, इस फंदे को भी हमने सीधा बनाना है। तो ये हमारे तीन फंदे जो है हमारे सीधे बनेंगे। फिर धागे को हम अपनी साइड करेंगे, ये चार फंदे रह गए हमारे। अब इन दोनों फंदों को एक बना देंगे दो का, फिर इस दो फंदों को भी एक बना देंगे, ये हमारी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट होगी। ये दो सीधे हुए और ये वाला फंदा भी हमारा सीधा ही बनेगा, यानी तीन फंदे हमारे सीधे बनेंगे, दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, और ये अब चार फंदे हमारे ये रह गए हैं जो पांच फंदों में से थे हमारे। अब इन दो फंदों को हमने एक बनाना है, ये हो गया, दो के एक हो गए, ये हो गए, चार फंदों के हमने दो फंदे बना दिए घटाकर। अब इसी तरीके से जो है हमारी पूरी सिलाई जो है उल्टी कंप्लीट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने तीन सीधे बनाए हैं, दो उल्टे, तीन सीधे और दो उल्टे फंदे हमने इसमें बनाए हैं। अब आ गई हमारी सीधी सिलाई। सीधी सिलाई में ये देखिए, दो फंदे हमारे ये उल्टे बने, अब तीन फंदे जो है हमारे सीधे बनेंगे। तीन फंदे हमारे सीधे हो गए, अब दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और तीन फंदे हमारे सीधे बनेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है हमारी कंप्लीट जो है इसी तरीके से होगी। दो हमारे उल्टे बनेंगे, तीन सीधे, दो उल्टे और तीन सीधे करके ये हमारी सिलाई बनेगी। ये जो हमने डिज़ाइन डाला था, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन जो है हमारा ये बन गया है। उसके बाद पहले, अब उसके बाद ये वाली सिलाई जो है हम इसी तरीके से पूरी करेंगे। सीधी सिलाई डिज़ाइन होने के बाद दो उल्टे बनेंगे और तीन फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये सिलाई मैं आपको कर कर पूरी दिखाती हूँ। ये देखिए सीधी सिलाई जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें तीन सीधे बनाए थे हमने और दो उल्टे बनाए थे। अब आएंगे उल्टी सिलाई पर हम। उल्टी सिलाई में जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको हम सीधे ही बनाएंगे, और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उन फंदों को हम उल्टे ही बनाएंगे। ये दो सीधे बनाए हैं यहाँ पर और तीन मैंने उल्टे बनाए हैं, तो यहाँ पर तीन फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे और दो फंदे हमारे सीधे बनेंगे। तीन फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे बनाते हुए इस सिलाई को जो है, ये वाली रो जो है हम अपनी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी रो जो है हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आएगी सीधी सिलाई पे। हमारी सीधी सिलाई में सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। ये देखिए दो हमने उल्टे लिए थे, सेम ऐसे ही करना है, दो हमने उल्टे ही लेने हैं। फिर इन तीनों फंदों को साथ लेंगे हम, इन तीनों फंदों को बनाएंगे, ये एक फंदा हो गया, इस धागे को हम घुमाएंगे, फिर इन तीनों फंदों में से फिर लेंगे, ये हमारे तीन फंदे हो गए, इस धागे को घुमाएंगे, ये हमारा चौथा फंदा है। अब इस वाले को अब हम बनाएंगे, ये हमारे पांच फंदे जो है, इसमें से तीन में से हमने पांच फंदे हमने ये बना लिए। अब दूसरा जो फंदा है, ये वाला जो फंदा है, इसको उठाएंगे, और ये जो तीन फंदे हैं, ये तीन फंदे आते हैं, तीन फंदों के बाद इनको इसके ऊपर से निकाल देंगे और पीछे से जो है सिलाई लेंगे और इसके अंदर फंदे को घुमाते हुए इसमें ऐसे डाल देंगे। फिर दो फंदे हम फिर बनाएंगे इसी तरीके से, उल्टे फंदे बनेंगे, फिर सेम ऐसे ही करना है, तीन फंदे लेंगे, इन तीनों को बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, फिर फंदे को बनाएंगे, तीन फंदे हो गए, फिर ये चौथा फंदा हो गया घुमाया हमने, और इसे पांचवा फंदा हो गया। अब इसको हम निकाल देंगे, दूसरे फंदे को उठाएंगे, इनके ऊपर से निकालेंगे, पीछे से सिलाई लाएंगे ऐसे, और इस फंदे को ऐसे डाल देंगे। बस अब सेम जो है ऐसे ही बनेगा जैसे हमने स्टार्ट किया था, सेम ऐसे ही ये जो डिज़ाइन जो है बनता जाएगा, और ये सिलाई जो है हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी, और आपका डिज़ाइन जो है ये बन जाएगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है ये देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।